हेलो बच्चों, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हमने आपको आप लोग सबको पता है कि पीएम यशस्वी योजना एक स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाला है जो कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए होने वाला है ना। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि इसके आगे फॉर्म कैसे भरा जा सकता है और कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम की सब जानकारी हम आगे और भी देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इसके वेबसाइट को जाके देखेंगे कि कहाँ से फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल्स हमको देने होंगे और ये एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ये सब 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 चीजों की जानकारी हम लोग देखेंगे, है ना। तो जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन था कि ये एग्जाम है क्या है, तो बच्चों ये एक भारत सरकार के द्वारा एग्जाम होगा जिसमें अगर पास करते हैं आप तो क्या है, आपको कक्षा 9वीं के बच्चों को 75,000 और 11वीं के बच्चों को 1,25,000 की क्या है स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हर राज्यों के बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा, तो इस तरह भारत से कुल 30,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा स्कॉलरशिप के लिए और हर राज्य से अलग अलग श्रेणीवार और आपके प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर क्या है अलग अलग बच्चों का चयन होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम डेट कब है भाई इसका, 29 सितंबर, मतलब आज से लेकर 2 महीने बाद इसकी एग्जाम होगी, ठीक है। तो ये योजना का नाम क्या है भाई, पीएम यशस्वी योजना। इसका टेस्ट कौन लेगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी लेगी, ठीक है। अब देखो पीएम यशस्वी नहीं है, जैसे कई लोग इसको यशस्वी बोल रहे हैं, आप लोग सर्च कर रहे होंगे, ये एक्चुअली में पीएम यशस्वी योजना है, ठीक है बच्चों। अब मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियो में कि इसका एग्जाम फॉर्म हमें 11 जुलाई से 10 अगस्त तक हम भर सकते हैं। अगर एग्जाम में इस फॉर्म में हमारे से कुछ गलती हो जाती है तो इसमें हम सुधार 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कर सकते हैं और जो हमारा एग्जाम होगा ये हमारा 29 सितंबर को होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात हमें पहले चेक करनी होगी कि क्या हर स्कूल यहाँ पे हर स्कूल का बच्चा दे सकता है या कौन कौन से स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी देखते हैं, ठीक बच्चों। अगर आप कक्षा 9वीं से 11वीं या किसी भी कक्षा में हैं और आपको अगर अब हमारे से अब हिंदी मीडियम से हैं तो आप हमारे अभिप्सा ऐप पर जाकर अपने मुख्य विषयों की क्लासेस ले सकते हैं, यहाँ हमारे डेमो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ टीचर आपको डिजिटली माध्यम से अलग अलग कक्षाएं प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग की सिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग आते हैं कि अपने वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखो आपको और यहाँ पे आपको क्या पहले सर्च करोगे, पीएम यशस्वी योजना, ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे जब आप पीएम यशस्वी योजना लिख रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट दिख रही है लेकिन आपको इसको एक्चुअल जो ओरिजिनल वेबसाइट है नहीं दिख रही है। तो आपको क्या सर्च करना है, नेशनल टेस्ट एजेंसी पीएम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप, ठीक है। ये सर्च करोगे तो ये जो फर्स्ट में आ रहा है एनटीए, ठीक है, एनटीए वेबसाइट, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको क्या है अपने फॉर्म भरने हैं और अदर जानकारी आपको यहां से मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फिर सर्च करना चाह रहे हो तो आपको नेशनल टेस्ट एजेंसी पीएम यशस्वी योजना सर्च करना होगा, ठीक है। अब देख सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्कूल की लिस्ट चेक करते हैं। अब हम स्कूल की लिस्ट कैसे चेक करेंगे भाई, कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ये आपका वेबसाइट दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, पीएम यशस्वी योजना, टेस्ट कौन ले रहा है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये ले रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू नो योर स्कूल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। आप अगर आप जैसे कक्षा 11वीं में है या 9वीं, चलो हम 11वीं के लिए चेक कर लेते हैं। सपोज मैं 11वीं में हूँ और मैं कौन से राज्य की हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट, चलो कोई भी, जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर ले लिए, ठीक। अब मैं सर्च करती हूँ, ठीक। तो देखो बिलासपुर के जितने स्कूल होंगे जो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगे वो इनकी लिस्टिंग यहाँ पे दिखाने शुरू कर देगी, ठीक है। मतलब बिलासपुर से कुल 179 स्कूलों को इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अगर आपको अपना स्कूल का नाम यहाँ पर सर्च करना है, जैसे देखो सरस्वती शिशु मंदिर अगर सर्च करते हैं तो ये सरस्वती दो स्कूल है जिनको क्या है बिलासपुर से चयन किया गया है, ठीक है। अब ये चयन ऐसा होता है बच्चों की कुछ स्कूल से जहाँ के कुछ स्कूलों को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ के कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि क्या स्कूल बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ किस किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, क्या है ऐसा सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को रखा गया है, नहीं, जैसे यहाँ पे देखो गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए एग्जाम है, ठीक है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी स्कूलों को रखा गया है, ठीक।
ये यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने स्कूल का लिस्ट चेक कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग अदर में। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस पढ़ लो कि क्या बोला गया है इस नोटिस में। ठीक है, तो इस योजना का मतलब है यशस्वी योजना का यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। मतलब जो उभरती हुई इंडिया है उन बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, उनके पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया है भाई कि ये एग्जाम कितने घंटों का होगा, 2.5 घंटों का, 150 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, मीडियम क्या है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होगा। पेपर कब हो रहा है हमारा, 29 सितंबर, मतलब शनिवार के दिन आपका एग्जाम होना है, लगभग आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है, एग्जाम आपको कब से, एग्जाम फॉर्म आपको कब से कब तक भरना है, 11 जुलाई से आप 10 अगस्त तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी अन्य जानकारी हम लोग ले लेते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन हिंदी, आप यहाँ पे जाएं, क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ से हम सभी जानकारी लेते हैं कि इस एग्जाम क्या है, कैसा है। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ते चलते हैं। ठीक, चलिए आइए। इसकी इस एग्जाम का या इस एजेंसी का मेन उद्देश्य है उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिल होने वाले योग्य अभ्यर्थी भारत को उनका उसका जनसांख्यिकी लाभांश दे। जनसांख्यिकी का मतलब होता है कि जो अभी युवा पीढ़ी है उसको हम देश के विकास में यूज कर सके, उसी को हम बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। ठीक है, तो हमारे आने वाले युवा, जैसे आप बच्चे हैं तो आप कक्षा 9वीं में है, 11वीं में है, तो अपनी पढ़ाई को आगे निरंतर कर रख सको, उनके लिए क्या है, भारत सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम के बारे में सब पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि क्या है भाई, 11 जुलाई से 10 अगस्त, ये हमने बता दिया था, है ना। अगर कुछ त्रुटि हो गई तो आप 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच इसको सुधार सकते हो। तो क्या भाई एग्जाम फॉर्म भरने के लिए हमें कोई फीस जमा करना पड़ेगा, नहीं, ये हर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्जाम को फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आप जब एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो जब एग्जाम फॉर्म सभी के भरा जाएंगे, और एग्जाम जैसे 29 सितंबर को है तो सितंबर में आप सभी के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा। जैसे कक्षा 10वीं या 12वीं में हम बोर्ड पेपर देने जाते हैं तो हमको प्रवेश पत्र मिलता है ना, उसी प्रकार इस पेपर के लिए आपको एक प्रवेश पत्र दिया जाएगा जिसको लेकर आपको एक एग्जाम सेंटर में जाना होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम सेंटर हर जिले में नहीं होगा लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में इसका सेंटर बनाया गया है। ठीक है, अब ये पेपर कैसे होगा भाई, तो पेपर पेन मोड। पेपर पेन मोड मतलब क्या है बच्चों, आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और ओएमआर शीट। देखो बच्चों, ओएमआर शीट इस तरह से होगा कि आपको पहले प्रश्न का अगर आंसर सी है तो आपको सी पे गोला करना होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी है तो उस तरीके से। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ओएमआर शीट भी भरना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। चलो हम अपने वापस चलते हैं अपने नोटिस पे। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम क्या होगा, पेपर पे होगा, मतलब आपको पेपर दिया जाएगा और आपको ओएमआर शीट भरना होगा। प्रश्न कैसे आएंगे, वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू, और अगर जो अभिप्सा से हमसे पढ़ाई कर रहे हैं या कर अभिप्सा के एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों जो आप स्कूल में एग्जाम देते हो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको हर प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, लेकिन अगर आपको अभी से अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आगे आने वाले डिफरेंट एग्जाम देना है, तो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे जाना होगा। और अभिप्सा के क्लासेस में आपको इस तरीके के टेस्ट हर वीक में मिलते हैं, तो आप अभिप्सा में जाकर इस तरह के फ्री टेस्ट दे सकते हैं और अपने लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस पेपर का किस माध्यम में होगा, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा, मतलब एक ही पेपर में उसका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद दोनों होगा। अगर आप हिंदी माध्यम से तो हिंदी माध्यम के साइड को पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश माध्यम है तो इंग्लिश के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। दोनों प्रश्न समान होंगे लेकिन उसका अनुवाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा भाई, फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, पंजीकरण पहले करना होगा जिसमें आपको अपना एक ईमेल आईडी और फोन नंबर बहुत सही से दर्ज करना होगा। अगर आपके ये दोनों चीजें गलत होंगी तो आगे आपको अगर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में या आगे परीक्षा की जानकारी लेने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब आपको क्या है, एक फोटो खिंचवानी होगी। ठीक है, जिसमें आपको सफेद रंग के बैकग्राउंड में आपको फोटो खिंचानी होगी जिसको क्या है आपको अपलोड करना होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमें और क्या क्या चीजें लगेंगी हम वो देख लेते हैं।
देखिए, सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें ईमेल का पता और मोबाइल नंबर प्रदान किया गया है। ये आपके किसी भी प्रकार से इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा उनके संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान की जानकारी जैसे नाम, संपर्क विवरण, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, परीक्षा के शहर, सबको बहुत ध्यान से भरना होगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, जनरल से होते हुए भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड से हो, आपकी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या एसटी एससी जिस भी समुदाय से हो, आप इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। अब ये देखो आपका सिलेबस क्या है भाई। इस पहले तो पेपर कैसे होगा, पेपर पेन मोड पे होगा, ओएमआर शीट भरना होगा। और आपके जो सिलेबस होंगे वो क्या है भाई, आपके कक्षा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज से 20 प्रश्न होंगे, गणित से 30 प्रश्न होंगे, विज्ञान से 25 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान से 25 प्रश्न और जीके से 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्किंग की होगी, ठीक है। 2.5 घंटा दिया जाएगा आपको पेपर के लिए और एक उत्तर सही पर आपको एक नंबर दिया जाएगा। इसमें कोई किसी तरह के किसी माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी होगी, तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे आप? अगर कक्षा 9वीं में है तो आपको कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी बुक को पढ़ना होगा, और कक्षा 11वीं में है तो अपनी तैयारी के लिए आपको कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब पात्रता क्या क्या है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए, ओबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या आप एसटी एससी से होने चाहिए, ठीक है। उन्हें निर्धारित टॉप क्लास स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, मतलब जो हमने सूची देखी थी आपको आप उन सूची से ही जो लिस्टेड स्कूल है वहीं पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आपके परिवार की आय मासिक वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर इसके एग्जाम सेंटर की बात की जाए, कहाँ कहाँ इसका एग्जाम सेंटर होगा, कंडक्ट किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के लगभग प्रत्येक जिले में इसका सेंटर होगा, मतलब प्रत्येक जिले में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। देखिए बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, इसमें सभी जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं वो उनको स्थान दिया गया है। अब आपको हम बताते हैं कि फॉर्म कहां से भरना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने मेन वेबसाइट पे, कहां पे, नेशनल टेस्ट एजेंसी पीएम यशस्वी योजना, ठीक है। अगर आप नहीं है, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो फॉर्म नहीं भरा है, तो क्या करना है हमें, देखो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एक आपकी आईडी जनरेट होगी। आईडी जनरेट होने के बाद क्या है, आपको यहां से आके उस आईडी को एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद क्या है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ना। तो जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सब जानकारी दी गई है कि भाई आपको अपना सिग्नेचर रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पहले से देख लो, है ना। तो यहाँ पे आपको एक अपना नया फोटो निकाल के रखना होगा, अपना सिग्नेचर, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हम बोलते हैं, ठीक है। आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, और अगर आप में से कोई हैंडीकैप्ड है या किसी प्रकार से आप दिव्यांग हैं तो उसका क्या है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका, और आधार कार्ड, ये सब आपको डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे संलग्न करने होंगे। सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बना होगा, दूसरा आपका क्या है, अपने माता पिता के नाम से आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो इन सब के आधार को क्या है, आपको जब फॉर्म भरते रहेंगे तो अपलोड करेंगे। तो बच्चों मेरा ये कहना होगा कि आप क्या है, खुद से फॉर्म ना भरे, आसपास के किसी चॉइस सेंटर में या आपके जो घर में बड़े होंगे या जो कंप्यूटर यूज करते हो उनके पास जाके इस फॉर्म को भराएं, ताकि एक बार में ही फॉर्म भरा जाए और किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ जाना है, उसके बाद इसको आपको टिक करना है, और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करके आपको अपनी पूरी जानकारी देते हुए फॉर्म भरना है, ठीक है बच्चों। तो मेरा यही कहना होगा कि आपको फॉर्म जो है अपने किसी बड़े के साथ भरना है, अकेले नहीं भरना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे,
सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि अगर कक्षा 9वीं में है तो आपको कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना होगा, कक्षा 11वीं में है तो कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना होगा, ठीक है। कक्षा और इस पेपर को केवल कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चे दे सकते हैं। और आपको अपने स्कूल की लिस्टिंग आपको चेक करनी होगी कि आपका स्कूल इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। अगर आपको भी फिर भी कंफ्यूजन है तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से या अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं कि सर हमारा स्कूल लिस्ट में है या नहीं है, आप हमें प्लीज चेक करके बताइए, ठीक है बच्चों। तो फिर बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही आप रखते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि कक्षा 8वीं के बच्चों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे और कक्षा 11वीं के बच्चों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे और इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो बच्चों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे अभिप्सा चैनल के साथ। यहां आपको कक्षा 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस मिलती हैं, डिफरेंट आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, सब मिलते हैं। तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको भेजें और हमारे साथ जुड़े रहें।